मैं भारतीय हूँ, मैं हूँ, मैं हिंदू धर्म में हूँ और भारतीय हूँ, बाकी जो चीजें हैं वो हो जाएंगी, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी कहने से अदालत से ही होगा, अदालत से ही होगा, अदालत से ही होगा ना, पूरी दुनिया को आग लगाएगा। तू बहुत गलत कर रहा है सीमा, बहुत गलत कर रहा है, इतना गलत कर रहा है ना, तेरी सात नकल भी पछताएगी और तू भी पछताएगा, ये याद रखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपने भी, आप लोगों ने ये वीडियो देखी सीमा हैदर की, और भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, काफ़ी और वीडियोस भी हैं मेरे पास। ये जो सीमा हैदर ने काम किया है तो काम बड़ा है इसने, जो भी किया है, ये पाकिस्तानी एजेंट है या हिंदुस्तानी एजेंट है ये तो खुदा जानता है, लेकिन इसकी वजह से दोनों मुल्कों की आवाम परेशान हो चुकी है। सोशल मीडिया पे तो तूफ़ान आया हुआ है न्यूज़ का, गालियों गलोच का, काफ़ी लोग जो है ना बहुत बुरा भला भी कह रहे हैं, काफ़ी इंडिया वाले इसको अच्छा कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सीमा एक मनहूस औरत है, इसकी वजह से काफ़ी घर बर्बाद भी हो सकते हैं, और इसने जो काम किया है ना, क्यामत तक कोई ऐसा काम न कर सके, इसने ऐसा काम कर दिया है सीमा ने, इसने नफरत ही नफरत दोनों मुल्कों में फैला दी है, इसकी एक की वजह से बहुत दिलों में नफरत आ चुकी है, और ये हिंदुस्तान खूब जानता है, हिंदुस्तान का मीडिया भी जानता है, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया इस पर अमल नहीं करेगा, क्योंकि वो यही चाहता है कि पाकिस्तान में एक मरतबा आग भड़के और वो भड़क उठे। मेरे दोस्तों और भाइयों, आज 14 जुलाई 2023 है और 22 जुलाई 2023 का हम इंतजार करेंगे। अगर 8 दिन में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई मुसब्बत जवाब नहीं मिला तो फिर आप मुजाहिदीन को मेरी तरफ से इजाज़त है, आप मुजाहिदीन को मेरी तरफ से इजाज़त है, जो भी कार्रवाई आपको समझ में आए कर लें, क्योंकि भारतीय मीडिया ने सिर्फ सीमा की खबरी चलाकर मुसलमानों का तमाशा बनाया है। जो अमन हमें मजहब छुड़वाए, जो अमन हमें गैरत छुड़वाए, बेगैरती वाले अमन से हमें मौत बेहतर है। हदीस शरीफ है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल जिहाद माज़ने ला यौमिल कियामा, जिहाद क्यामत तक जारी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हम हक पर हैं, जिहाद क्यामत तक जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा अभी हमने, में जो आपको मैंने दिखाया, आप सिंधी जेका मुझा दोस्त भाइरन वो थोड़ा समझो, जेको सिंधी में थोड़ा बलज में गलाया तो ही सिंध के तबाह करण जे लाइ, सिंधियुनि के बदनाम करण जे लाइ एक चाल आहे, इन खे थोरो समझो, ऐं जेको आहे हीअ नफ़रत फैलाइण जे लाइ, हीअ सीमा सिंधी हुई ई कोन, इहा एजेंट इंडिया जी हुई या किथां जी बि, ख़ुदा थो ॼाणे, लेकिन हीअ सिंधी न हुई, न ई का इहा जखराइण हुई, इहा रोल रन हुई जेका अची करे हैदर वटि पुॻी, हैदर शादी कई, हू पाण बि चवे थी वेठी, तूं असां छा हिते हिसाब कंदासीं, हिक ॿिए खे चऊं था हीअं थी वियो हू थी वियो, इहा रोल रन हुई, इन ते को तबसरो न कयो, इहा सिंधी न हुई, इहा हक़ीक़त आहे। अगरि तव्हां मुंहिंजी वीडियो ॾिसी रहिया आहियो, तव्हांखे कावड़ बि लॻी सघे थी, लेकिन मां हक़ सच ज़रूरु चवंदो आहियां, मां हक़ सच जा वीडियो ज़रूरु ठाहींदो आहियां, त इन सीमा हैदर खे सिंधी न चओ, सिंध जे मथां इहो हिकु मतिलबु दाग बणिजी वेंदो, ॾिसो सिंधी हुई बि न, इहा हिकु रोल रन हुई, जाॾो आई ख़ुदा थो ॼाणे काॾहों आई, मुस्लिम है और हिंदुस्तान आई है, एक हिंदू के पास आई है, अगर मुसलमान के पास आती तो मुद्दा कुछ और होता, मामला कुछ और चल रहा होता। इसके तो 4 बच्चे हैं, सीमा पार कर आई है, पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर आई है, और यह गोदी मीडिया बैठा तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। भाई साहब मोहब्बत की बात है तो एसडीएम ज्योति मिश्रा, उन्होंने तो मोहब्बत की है, वो 4 बच्चों को छोड़ के वहाँ से आई है, अपने पति की जमीन बेच के आई है, ठीक है, तलाक उसका नहीं हुआ है, वो वहाँ से यहाँ आ गई, वो मोहब्बत है, और एसडीएम ज्योति ने भी अपने पति को पहले तलाक का नोटिस दे के उसने किसी और से मोहब्बत की, तो उस पर पूरा देश उसके खिलाफ है, और उसका जो है जो सीमा हैदर आई है उसका सपोर्ट कर रहा है, सारे मीडिया पे वही चल रहा है दोस्तों, और इसकी वजह से इतना तूफान आ चुका है सीमा की वजह से, दोनों मुल्कों में खबरों का तूफान अरूज पर है, लेकिन इंडियन ऑफिसर भी इसको अब गद्दार बोल रहे हैं, एजेंट बोल रहे हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी की एक ऑफिसर की वीडियो है, आ गई है बिना वीजा पासपोर्ट के, तो कहीं ना कहीं वो इश्क विश्क की बात छोड़ी हो, जिसके पास 3-4 बच्चे हो उसका क्या इश्क है, समझे नहीं, या तो वो इस तरीके से आती तो पाकिस्तान ही गोली मार देते, कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तानियों ने भेजा हो यहाँ की भारत की जासूसी करने के लिए, इश्क छोड़िए भाई, आप ये मुझे बताओ वीजा पासपोर्ट कुछ तो भारत ने अनुमति दी क्या उसे आने की, भारत ने उसे बुलाया था कि आ जाइए, आपने इनसे इश्क कर लिया, प्यार कर लिया, आ जाइए, मैं आपके बच्चों को भी पालेंगे और इनको बहुत बड़ा इनाम देंगे, वोट भी मुझे लगता है इन ताना शासकों से डरने लगा, जज भी डरने लगा, राहुल गांधी के ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि राहुल गांधी मुद्दे बहुत सारे हैं देश में, सारे मुद्दे हैं और मुद्दों के चक्कर में पूरा देश मुर्दा कर दिया इन्होंने।
करेंगे। इस टाइम देश को जिंदाबाद करने की जरूरत है, एक आंदोलन छेड़ने की जरूरत है और वो आंदोलन छेड़ेगा ईवीएम मशीन के खिलाफ। जब तक और बहुत सी वीडियो है वो भी पीछे मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, लेकिन समझे खुदा रहा पाकिस्तानियों को मैं अर्ज कर रहा हूँ इसको समझे, ये नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। ये एक मोदी का मिशन भी हो सकता है, किसी और का भी, लेकिन ये औरत सिंधी नहीं है जो इसको सिंधी सिंधी कहा जा रहा है। हमारे सिंध से नहीं है, मैं खुद सिंध में रहता हूँ, इसके लैंग्वेज से नहीं लग रहा ये सिंधी है। ये यहाँ सिंध में लॉन्च की गई थी, अब वो वापस चली गई अपना मिशन पूरा करके। खुदा जानता है इसका क्या मिशन था। मैं सिंधी हूँ, मैं खुद सिंधी जानता हूँ, इसका लहजा ही सिंधी में नहीं है मेरा। मैं सिंधी जबान में आपसे बात कर रहा हूँ उर्दू ज़बान में, लेकिन मेरा लहजा सिंधी होगा। आप समझ रहे होंगे कि ये सिंधी बंदा है, ये सिंधी नहीं, ये प्योर हिंदी बोल रही है, ये हिंदी हिंदुस्तानी लग रही है, खुदा जानता है, लेकिन ये सिंधी नहीं है। इसने जो नफरत फैलाई है ये सा क्यामत तक पाकिस्तान हिंदुस्तान तक ये तू में चलती रहेगी, क्योंकि इसने ऐसी नफरत फैलाई है। इस सीमा ने, इसको हैदर नहीं बोलो, सीमा हैदर नहीं बोलो, इसको सीमा लानती बोलो, जिसको कलमा तक नहीं पता, जिसको नबी पाक के बारे में कुछ नहीं पता, अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं है, वो अपने परिवार के साथ वफादार नहीं रही, तो सोच के देखिए क्या वो इस देश के साथ वफादार रहेंगी। ऐसी औरतों को आप वफादार तो बिल्कुल नहीं कह सकते। जाहिर उस भारतीय फौज को मैं करना चाहूँगा, वादे करना चाहूँगा, जो जिस तरह से सैमा घुस के आपके इलाके में पहुँच गई है, मैं भी उसी इलाके में घुस के आ जाऊंगा। पर मेरी फौज पे भरोसा है, पाकिस्तान की फौज पे, तो मेरी फौज कुछ न कुछ करेगी। जो तब मैं मजबूर हुआ, मेरी फौज कुछ नहीं किया, तो आप सुनेंगे भारतीय लोग को जब पता चलेगा, जब पाकिस्तानी लोग उधर बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं ऐसा किसी मुसलमान को मैं या पाकिस्तानी लोगों को जो मेरे पाकिस्तानी हिंदू मज़हब रहते हैं उसी को मैं दिल आज़ारी करने के लिए मैं कोई कदम नहीं उठाया है। अभी तक मैं हिंदू जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उसी को मैं एक पैगाम करना चाहूँगा, आपकी जो मर्ज़ी है, तुम मेरे भाई हो, पाकिस्तान में जो भी लोग रहते हैं मेरे भाई हैं, ठीक है, मेरे मजबूर नहीं करें। तो मैं तो अकेला तो नहीं हूँ, मेरे दूसरे बंदे भी होंगे, किधर से भी होंगे, वो किसी की जो किधर के मंदिर पर हमला करे, को किधर का हमला करे, किसी का बंदा उठाए हिंदू का, सही नहीं है। जो मैं ये बात करना चाहूँगा तो आप भी मेरे साथ बनो, आवाज़ उठाओ, जो हिंदू मजहब हैं वो भी मेरे साथ खड़े हो जाओ, आवाज़ उठाएं, तो भारत को पता चले तो बिल्कुल हिंदू भाई भी उसके साथ हैं, पाकिस्तानी भी साथ हैं। पर मैं आर्मी चीफ को अपील करता हूँ, एक बात है, इस जवान जो ये वीडियो मैंने आपको अब ये दिखाई है, मैंने जो वीडियो आपको, इस राणो सर की वजह से हिंदुस्तान में थरथली मच चुकी है। इस जवान के बेटे को मेरा सलूट है, इसकी एक धमकी ने सारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के मीडिया में खलबली मचा दी है। और इससे ये पता चलता है कि हिंदुस्तानी कितने दिलेर हैं, दिलेर तो नहीं है, इसके एक धमकी से ये हाल है। अगर सारा पाकिस्तान मिलजुल कर अगर कुछ करे तो हिंदुस्तान हो सकता है, हिंदुस्तान के होश ही उड़ जाएं। इस जवान को मैं सलाम करता हूँ जैसा भी है, लेकिन ये पाकिस्तानी है, सच्चा है, मुसलमान सच्चा है। ये धाड़ेले डाकू है, जो कुछ भी है वो उसका अपना मामला है, लेकिन इसकी एक बात सच्ची है, ये जो कर रहा है। हमारी वीडियो आपने इस यहाँ तक देखी, हमें दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें, ऊपर लिंक दिया हुआ है हमने अपने यूट्यूब चैनल का, उस पे जाकर क्लिक करें और यूट्यूब पर आ जाएं, हम सबसे पहले वहां अपडेट देते हैं। सबको दोस्तों को अर्ज़ है तुम्हारे यूट्यूब चैनल शायद खुश हो भी लोग पर आ जाएं। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।